आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर, लखनऊ ज्वेलर्स, छुया पूर्वा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। बसंत पंचमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वर्णकार महासभा लखनऊ द्वारा लखनऊ के कुड़िया घाट पर सम्मान समारोह व तहरी भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर संयुक्ता भाटिया मौजूद रहीं। तो वहीं राष्ट्रीय स्वर्णकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम रस्तोगी व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल वर्मा भी मौजूद रहे। कन्हैयालाल वर्मा ने बताया कि आज गुरु महाराज अमरीश देव जयंती व बसंत पंचमी है, इसके तहत सोनी महासभा का आयोजन किया गया। यह सभा गरीब व असहाय लोगों की मदद करने के लिए व महासभा की रौनक बढ़ाने के लिए स्वर्णकार लोग उपस्थित होकर महासभा में भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया कर्मियों का सम्मान भी किया गया। न्यूज लाइव संवाददाता नीरज सिंह तोमर की रिपोर्ट। और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होता है, मुझे पिछले वर्ष भी और उससे पहले वर्ष भी लगातार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज भी यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन जब मिलकर काम करते हैं तो समाज के हित का काम होता है। अभी कोरोना काल में आपने सबने देखा कि जितने भी संगठन थे उसमें इसमें स्वर्णकार महासभा ने भी कोरोना काल में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वो पूरा उन्होंने लखनऊ नगर निगम के द्वारा कम्युनिटी किचन चल रहा था और बहुत सारे लोगों ने, संस्थाओं ने स्वयं अपने आप भोजन बांटा और बहुत सारी संस्थाओं ने नगर निगम के माध्यम से अपने भोजन को बंटवाने का काम किया। भोजन आप लोग बनाकर, कई संस्थाओं के द्वारा भोजन बनाकर दिया जाता था और बांटने की व्यवस्था नगर निगम करता था। नगर निगम के प्रति कम्युनिटी किचन चल रहा था और उसमें विशेषकर बहुत सारी संस्थाओं का सहयोग था। उसमें स्वर्णकार महासभा का भी पूरा सहयोग रहा। इन्होंने पूरी तरह से कम्युनिटी किचन चलाकर या अन्य चीज़ों का दान करके कोरोना काल में अपनी जो हमारे भारत की परंपरा है कि ऐसे समय में हम सब मिलकर एक साथ, कोई जाति पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। और जब कभी आपस में अपने एसोसिएशन के द्वारा जब भी कभी कोई समस्या होती है तो एक दूसरे का सहारा होता है, एक दूसरे का साथ होता है। मैं इन सभा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को एक साथ करके ये कार्यक्रम एक साथ किया जाता है। एक साथ मिलकर बैठना, एक साथ भोजन करना और एक साथ अपने लोगों को एक साथ लेकर आना, एक साथ, ये दर्शाता है कि हम सब एक साथ हैं। और इस तरह से ये कार्यक्रम बराबर करते हैं। मैं इस कार्यक्रम में मैं इनकी सहभागिता निभाती हूँ, इसके लिए मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। कोरोना काल में जो इन्होंने कार्य किया उसके लिए बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। प्रधानमंत्री कोष में भी हम लोगों ने 1 लाख, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोष में भी आपने 1 लाख रुपये दिया था। राम मंदिर निर्माण का समय इस समय चल रहा है, 2,51,002 अक्टूबर। इस समय जो राम मंदिर की में हम सबको भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये समय हमारे जो पुराने हमारी पीढ़ी थी उन्होंने अपना पूरा समय बिता दिया, पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया, इच्छा जाहिर करते रहे, लेकिन वो राम मंदिर का निर्माण में उनका सहयोग नहीं हो पाया। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको भी, तब तक राम मंदिर बन चुका होगा और उनको भी इसमें सहभागिता का अवसर नहीं मिलेगा। हम सब लोगों को सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और स्वर्णकार सभा के भी बहुत लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनकी सभा को भी उसमें एक अपना योगदान देने का, उस राष्ट्र हित में और यह धर्म के लिए अपना योगदान देने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देती हूँ। धन्यवाद। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, आज का कार्यक्रम हमारा सम्मान के लिए है। हमारे समाज में 2020 में ऐसी आपदा आई कि समाज बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया, लोग घरों में कैद हो गए और उनको राशन पानी पहुंचाने के लिए शुरुआत में बड़ी दिक्कत हुई। तो हमारी संस्था ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और घर घर
राशन पहुंचा करके और दवाइयां पहुंचा करके और पैसे से भी आर्थिक जिनको मदद होनी थी की गई, बच्चों के लिए दूध और बीमार के लिए दवाई का वितरण किया गया। हमारी संस्था सरकार की है ज़रूर है वो, मगर सभी का सभी के लिए कार्य करती है। ये नहीं कि हम सुनार के ही लिए काम करते हैं, हम हर जात के लिए काम करते हैं, उसमें हम कहीं से पीछे नहीं हटते। और हमारे कई कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद में अचानक एक खुशखबरी हम लोगों को जो मिलती है राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, हम लोग बड़े उत्साह में हो जाते हैं और तुरंत। अच्छा, उसके पहले कोविड के लिए प्रधानमंत्री फंड के लिए भी हम लोगों ने 1,01,000 रुपये का अनुदान हम लोगों ने मिलकर के किया। उसके बाद जन्मभूमि के लिए सबके सहयोग से 2,51,000, 2 अक्टूबर जब किसी ने सोचा भी नहीं था, 2 अक्टूबर 2020 को ही हम लोग 21 गाड़ियों का काफिला ले करके गए थे वहाँ। चंपत राय जी को 2,51,000 की ड्राफ्ट दे करके आए और श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण किया। इससे पहले जो आप लोगों ने गोलक वितरण की गई थी, क्या फिर से वो वितरण की जाएंगी, इस पर क्या है? हम लोगों ने एक आजकल जैसे संघ वालों का एक कार्यक्रम है जो चल रहा है समर्पण निधि अभियान, वैसे ही हमारा ये अभियान है श्री राम बचत बैंक। ये इसका अभियान हम लोगों ने घर घर किया है और अपनी बिरादरी में ही नहीं सभी को एक एक गुल्लक दी है। जो भी आपकी श्रद्धा हो, 10 पैसे, 5 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया आप इकट्ठा कीजिए। हम लोग होली के बाद राम जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ पर उसका भी अनुदान करेंगे। जो पहले जो गोलक वितरण की गई थी उसकी धनराशि क्या पहुँचा दी गई है? अभी नहीं कलेक्शन हुआ है। कुछ लोगों का फोन आ रहा है कि हमारी गुल्लक भर गई है, तो उसके लिए हमने आज गुल्लक का फिर से प्लान किया कि जिनकी गुल्लक भर गई हो वो हमसे दूसरी ले लें। जितनी गुल्लक आ चुकी है उसमें धनराशि आपने गिना होगा, कितनी आ चुकी है? अभी नहीं, हम लोगों का विचार है कि चंपत राय जी से बात हुई है, अगले कार्यक्रम में जब हम अयोध्या जाएंगे वहाँ जाके उन गुल्लकों को खोल के उसका सारा अनुदान राम मंदिर में ही देंगे। थैंक यू। ये हमारा बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जिला सीतापुर तहसील लहरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत ऊज गांव में उत्तम कुमारी सत्रोहन प्रसाद पब्लिक स्कूल ब्लॉक बेहटा सीतापुर विद्यालय में मनाया गया। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां सरस्वती का पूजन विद्यालय के प्रबंधक शिवकांत मिश्रा, आशीष प्रताप सिंह व प्रधानाचार्य द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा पर माला समर्पित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य कपिल लोधी ने धूप बत्ती व प्रसाद सहित मां सरस्वती का पूजन किया। कार्यक्रम में दिलीप कुमार यादव, राहुल श्रीवास्तव, राधा सिंह, मनोज सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सकरन से हमारे संवाददाता अमरेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।